शनिवार नूं पाकिस्तान तो इंपोर्ट किए गए नमक के ट्रक विचों लुका के लियाई जा रही 532 किलोग्राम हैरन अते 52 किलोग्राम मिक्स नारकोटिक्स की खेप कस्टम विभाग ने फड़ी है। कौमांतरी बाजार विच इस हैरन की कीमत 2700 करोड़ रुपए दसी जा रही है। एक पत्रकार सम्मेलन च कस्टम विभाग के कमिश्नर दीपक कुमार गुप्ता ने यह जानकारी देंदे आख्या कि विभाग नूं यह हैरन पाकिस्तान तो आए नमक की रैमजिंग करदिया मिली। यह नमक कनिष्का एंटरप्राइजेज के व्यापारी गुरपिंदर सिंह वालों मंगवाया गया सी। कस्टम वालों उस पासों पूछगिछ जारी है। इस मामले च कस्टम ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग नाल हंदवाड़ा वासी तारिक अहमद लोन नूं गिरफ्तार किया है। इस पत्रकार सम्मेलन च एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर अरविंद कुमार, डिप्टी कमिश्नर स्वाति चोपड़ा, असिस्टेंट कमिश्नर बसंत कुमार भी मौजूद सन। शाम को अमृतसर कस्टम्स ने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है, जिसमें 532 किलो हेरोइन, सस्पेक्टेड हेरोइन ऑफ कोर्स हमने पकड़ा है। ये रॉक सॉल्ट का कंसाइनमेंट था, पाकिस्तान से आया था और ये 26 तारीख को आया था कंसाइनमेंट। कल एग्जामिनेशन, कल हम लोग कर रहे थे, राइट? हाँ, कल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें इसमें कुछ सस्पिशियस लगा, डाउटफुल लगा। फिर हमने डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया तो 14 बोरा सैक्स में सस्पिशियस आइटम्स मिला। फिर हमने उसको NDPS, हमारा किट होता है, उससे उसको एग्जामिन किया तो ये हेरोइन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर हेरोइन। बाकी डिटेल सैंपल लेके अभी हम CRCL भेजेंगे, पर अभी तक जो हमारे पास किट के हिसाब से रिजल्ट है, ये नारकोटिक्स और हेरोइन ही है। इस केस में एक और लिंक आया था, कश्मीर के एक आदमी है, उसका उसको भी कल हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेल्प से उसको पकड़ा है और अभी आगे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहे हैं। वैल्यू कुछ 2500-2600 करोड़, मार्केट अगर इंटरनेशनल मार्केट देखें तो 2500-2600 करोड़ उसका वैल्यू होगा। ये अभी सेकेंडरी कंसाइनमेंट था इसका, फर्स्ट कंसाइनमेंट में मुझे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है।